हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने भारद्वाज लॉ एकेडमी चैनल पर। तो अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पढ़ते रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा। और अगर PDF चाहिए नोट्स की तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको राजस्थान ऑनलाइन बैच अगर ज्वाइन करना है जिसमें आपकी टेस्ट प्रिपरेशन लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर हैंड रिटन नोट सभी कुछ कराया जा रहा है तो भी आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है IPC से रिलेट करता हुआ, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता, आप जो भी कहना चाहे उसको। अब बात की जाए ओथ। ओथ क्या होता है? ओथ एक सॉलमन अफर्मेशन है, आपने जो है शपथ ग्रहण की है उसको हम ओथ कहते हैं। सेक्शन नंबर 52(1) की अगर मैं बात करूँ, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये बेसिकली एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, ये एक नेगेटिव वन है। बेसिकली यहाँ पर जो एक्ट परफॉर्म की जाती है वो ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ की जाती है। इन द सेम प्रोसीडिंग हाउ विल ऑर्डनरी प्रूडेंट पर्सन विल वर्क, कि भैया देखो जैसे आपने काम किया वैसे ही उसी सिचुएशन में दूसरा बंदा भी काम करता, तो उस चीज़ को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। सेक्शन नंबर 52(a) जो कि हार्बर की बात करता है। हार्बर की बात की जाए तो ये हार्बर की डेफिनेशन 1942 में ऐड की गई थी। इसमें क्या क्या है? शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ्स एक्सेट्रा शेल्टर की डेफिनेशन में आते हैं। पर्पस क्या है? अप्रिहेंशन को अवॉइड करना। एक्सेप्शंस की मैं बात करूँ तो सेक्शन नंबर 157-130 जो है इसकी एक्सेप्शंस है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अगर पति भाग कर आ गया तो पत्नी जो अगर उसको छुपा लेती है, जो अदर पार्टनर है वो जो उसको छुपा लेता है, तो दैट पति और पत्नी द अपोजिट पार्टनर जो भी दूसरे को छुपाता है या उसको किसी भी तरीके से रोटी कपड़ा मकान या कोई भी जरूरत की चीज़ें मुहैया कराता है, तो वहाँ पर दैट पार्टनर विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर हार्बर। अब बात करें टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की, तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फॉर योर अपकमिंग जुडिशरी या ADA APO जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो टोटल बात की जाए तो 5 टाइप्स की पनिशमेंट अवेलेबल है। पहले 6 थी, अब 5 रह गई हैं। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरी रिपील हो चुकी है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है और एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट वो इम्प्रिजनमेंट है जो हार्ड लेबर के साथ है, जिसमें कहा जाता है कि पत्थर तोड़ने वाली। और वहीं पर फॉरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी है, फाइन है, ये वाली कुछ तकरीबन पनिशमेंट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। टोटल 5 पनिशमेंट्स हैं, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 54 की तरफ। 54 क्या कहता है? कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस की बात करता है। अब कम्यूटेशन की मैं बात करूँ तो कम्यूट क्या होता है? कम्यूट कर कौन सकता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है आपके सेंटेंस को रिड्यूस कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। ऑफेंडर की यहाँ पर कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कम्यूटेशन कैन बी डन इन एनी पनिशमेंट। कम्यूटेशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द कि आपने को किस प्रकार की सज़ा मिली है, आपकी सज़ा जो है कम्यूट की जा सकती है। जनरली ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट की जाती है। इसमें एक लैंडमार्क केस आया, PV नरसिम्हा केस, जिसमें जो है कहा गया कि इफ़ देयर इज़ डिले इन पनिशमेंट इट शुड बी कमिटेड टू LI। बट भैया अगर डेथ पेनल्टी आपको इम्पोज करनी है तो इस केस में कहा गया कि भैया डेथ पेनल्टी इम्पोज करने में तिल तिल बंदा मर रहा है, तो इससे बेटर है कि आप उसकी जो सज़ा है ना उसको लाइफ टाइम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। लेकिन शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, 3 जजेस का बेंच का डिसीजन आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कम्यूटेशन ऑफ अ डेथ टू LI इफ देयर इज़ अ लेट ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर द 2 ईयर्स, अगर 2 साल से ज़्यादा अगर आप बंदे को इंतज़ार करा रहे हो तो ही वो जो डेथ सेंटेंस है वो कम्यूट होकर लाइफ में आएगा। ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक महत्वपूर्ण डिसीजन है जो कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। और अगर राजस्थान APO का हमारा बैच ज्वाइन करना है जिसकी फीस है मात्र 3,999 रुपये, लेकिन ये होली ऑफ़र तक ही आपको, यानी कि ये ट्यूसडे तक ये ऑफ़र है, उसके बाद इस कोर्स की फ़ीस 7,999 हो जाएगी। तो अगर आपको हमारे इस बैच के साथ जुड़ना है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू।